हेलो नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ शाह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सिद्धार्थ शो। तो आज एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन के लिए आए हैं। ऐसे कि बहुत से स्टूडेंट मुझे रिक्वेस्ट करते हैं, सर नोट तो हम बजा लेते हैं लेकिन कॉर्ड नहीं बजा पाते, कॉर्ड बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो कैसे कॉर्ड बजाएं? तो सिंपल टेक्निक तरह समझाइए, क्योंकि कॉर्ड पकड़ना बहुत तकलीफ़ हो जाता है और ठीक ठाक तो आवाज़ तो निकलता ही नहीं है, तो इसलिए हमने कुछ सिंपल सा ट्रिक्स आजमाया है और आपको आज दिखाएंगे कैसे कॉर्ड बजाते हैं। और ये जो कॉर्ड हम बताएंगे आज आपको, वो कॉर्ड सिर्फ आपको एक ही उंगली से बजाना है। जी हाँ, आज जो कॉर्ड लेके हम आपको सिखाएंगे वो है सी मेजर कॉर्ड। बेसिकली ये पहले सीख रहे हैं उनको जल्दी जल्दी कॉर्ड सीखना है, लेकिन पूरा कॉर्ड बजाने में डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो ईजी टेक्निक से कॉर्ड सिखाने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए एक टेक्निक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि और भी एडुकेशन वीडियो आपको बना के दे सकूँ, ताकि आप सीख सके हमारे यहाँ चैनल से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन नंबर 1, सी मेजर कॉर्ड। तो गिटार में आ चुके हैं, सी मेजर कॉर्ड के लिए क्या क्या चाहिए नोट्स, ये पहले जानना जरूरी है। देखिए, सी मेजर कॉर्ड के लिए आपको 3 नोट चाहिए, ये कि सी, ई और जी। तो जैसे बेसिकली जानते हैं कि नट पोजीशन में अगर सी मेजर कॉर्ड बजाएं तो ये पूरा सबका कॉर्ड है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं और छोटे बच्चे, उनको प्रॉब्लम हो जाता है, या तो न्यू कमर्स कुछ है जो बजा नहीं पाते, क्लीन साउंड उनको निकलता नहीं है कॉर्ड से। तो आज हम टेक्निक सिखाएंगे। देखो, आपको कॉर्ड बजाने के लिए बेसिक 3 नोट चाहिए, सी, ई और जी। अगर सी, ई, जी 3 बज जाए एक साथ तो वो कॉर्ड हो जाता है। तो कैसे कैसे बजाना देखिए, तो मैं इसके लिए नीचे वाला 3 स्ट्रिंग को यूज़ करूँगा। देखिए, नीचे वाला 3 स्ट्रिंग को यूज़ करेंगे और ये स्ट्रिंग में थर्ड स्ट्रिंग को हम खुला छोड़ देंगे, मतलब कुछ पकड़ेंगे नहीं, और सेकेंड स्ट्रिंग को हम फर्स्ट फ्रेट में फर्स्ट फिंगर से ऐसे पकड़ेंगे और फर्स्ट स्ट्रिंग को खुला छोड़ देंगे। तो तीनों एक साथ बजाएंगे तो ये हो गया सी मेजर कॉर्ड। जी हाँ, देखिए क्या क्या नोट बज रहा है, ये हो गया जी और ये हो गया 2 नंबर स्ट्रिंग का फर्स्ट फ्रेट, हो गया आपका सी, और ये फर्स्ट स्ट्रिंग ई, तो हो गया आपका ये सी मेजर कॉर्ड। लेकिन हाँ, एक चीज को ख्याल रखना है, जब भी आप सी मेजर कॉर्ड बजाएंगे तो आपको सिर्फ ये तीनों स्ट्रिंग ही बजाना है, बाकी ऊपर वाला 3 स्ट्रिंग नहीं बजाना है, क्योंकि ये स्ट्रिंग खुला आप स्विच छोड़ सकते हैं, खुला छोड़ेंगे तो दूसरा नोट बजेगा, तो ये बेसुरा बज जाएगा। तो तीनों स्ट्रिंग इसको जरा प्रैक्टिस कीजिएगा। तो बिगिनर्स के लिए है, तो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बोलिएगा। तो नेक्स्ट लेसन में आएंगे, कुछ कॉर्ड और भी सिखाएंगे, ताकि बहुत सिंपल टेक्निक से आपको बजा पाएँ गिटार को। और अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं और वीडियो आपके लिए बना सकूँ, आपको दे सकूँ, और एजुकेशन वीडियो हर वीकली आपके लिए ला सकूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस माई चैनल। तो मेरा नाम है सिद्धार्थ शाह और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।